राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विनीता में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं कोई ब्लॉग या डेली रूटीन नहीं दिखाने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ चाय, वो भी एक स्पेशल तरीके से जो कि मुझे बहुत पसंद आती है, और उम्मीद करती हूँ कि ये चाय आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस चाय को बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने घिस लिया है, और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची जिसको मैंने कूट लिया है, और 2 चम्मच चीनी, और 2 कप दूध, और 1 चम्मच चाय पत्ती ले ली है मैंने। चाय पत्ती कई तरीके की होती है, कोई ज़्यादा हार्ड होती है, कोई लाइट होती है, आपके पास जिस तरह से है, आप कड़क पसंद करते हैं तो उस हिसाब से चाय पत्ती और चीनी को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो चाय बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इस पर रख दिया मैंने एक फ्राई पैन, और इसमें डाल देती हूँ मैं 2 कप दूध। कोशिश करिए कि दूध कच्चा हो तो चाय का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा, दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास उबला हुआ दूध है, कच्चा नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। और इसमें मैं डाल देती हूँ 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी। इसके खोलने तक इंतज़ार करते हैं। तो फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है और अब मैं डाल देती हूँ इसमें चीनी और इलायची और ये दालचीनी का टुकड़ा। उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ घिसी हुई अदरक, और ये सारी चीज़ें खोल जाने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें चाय पत्ती और इसको खोलने तक इंतज़ार करते हैं। चाय को खोलने देते हैं और बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि हमारी इस चाय को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाता है। उसके लिए हमें चाहिए एक मिट्टी का कुल्हड़, आप चाहें तो इस तरीके का भी ले सकते हैं जो हम लोग अपने घरों में पूजा के लिए मंगवाते हैं, मैंने वही यूज़ किया हुआ है। और उसको मैंने गैस ऑन करके गैस पर रख दिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। यही वो तरीका है जिससे इस चाय में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, मुझे बहुत पसंद आती है इस तरीके की चाय। तो इधर चाय भी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं इसको छान लेती हूँ, और यहाँ पे कुल्हड़ भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इस कुल्हड़ को मैं किसी बर्तन में रखती हूँ और उसमें ये जो मैंने चाय छान के रखी थी वो डाल देती हूँ। कुल्हड़ बहुत ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, इस बात का हमें काफ़ी ध्यान रखना है। तो बन के रेडी हो चुकी है हमारी यहाँ पे तंदूरी चाय, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।